आज रघुनाथ जी हाथ हारे। कहा मैंने अर्ज की थी भगवान से और मुझे लगा कि ऐसी परिस्थिति में मेरी कोई लाज रख नहीं सकता। पुजारी जी के भी नेत्र सजल हुए और कहा ठीक है तुम्हारा ऐसा विचार है तो सुबह जल्दी आना, समय से हम ठाकुर जी को नित्य नियम से निर्वत कर जल्दी गवाह के लिए भेजेंगे। और ऐसी परिस्थिति बनी और जैसे पुजारी जी ने कहा और वही बात भोला केवट ने आके कही तो भोला केवट कहने लगा हरि बिन संकट को जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है तेरू कहां और जाऊं कहां बस तेरे ही नाम की भेंट कछी है। जैसे अदालत में पहुंचा तो भोला केवट हाजिर हुआ और जज साहब जैसे कुर्सी पर आकर बैठे और उनने तुरंत कहा कि तुम्हारे गवाह आए हैं। कहा आए हैं, कहा यहीं कहीं हैं। आवाज लगी, पुकार लगी, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं। और जो आवाज सुनी धोती फटी सी लटी दुपटी झुकी सी कमर देह धर धाए है, हाथ बाएं छड़ी पड़ी माथे पर रोरी चार चंदन लगाए हैं। सुई आज विनीत अदालत में के बटके गवाह कहाँ आए हैं। और भगवान हाजिर हो गए, बूढ़े से ब्राह्मण बनकर आ गए। जिस साहब ने पूछा कि आपका नाम रघुनाथ जी है, कहा है, कहा कि जब भोला केवट ने इनसे पैसा लिया था तब आप थे, कहाँ थे, कहा जब दिया था तब थे। और वो भोला केवट से इतनी बात सामने हो रही, इतने में सेठ ने कहा कि नहीं साहब, ये तो ना लेने में थे ना देने में थे। जिस साहब समझ गए ये जरूर झूठ बोल रहे हैं कि इनको जब पता ही नहीं है और जी व्यक्ति कह रहा है। रघुनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप इनकी जो बही है इनकी अलवारी में रखी है और तीसरे नंबर के खन में जो लाल बही इनकी है उसको लाया जाए और इनको यही रखा जाए और उसमें हिसाब लिखा हुआ चुकता है। जज साहब तो घबरा गए कि ऐसा प्रमाणित गवाह कभी हमने देखा नहीं जो पूरा प्रमाण से गवाह दे रहे। अब वो तो रघुनाथ जी थे और यही हुआ कि उनकी सब मंगाई गई, देखा गया तो उसमें हिसाब लिखा था चुकता। तो कहा था कि माया जब घेरती है तो अच्छे अच्छे लोगों का मन विचलित हो जाता है और इससे संसार में इसी से तो डरना है। और इतना सब हो के जज साहब ने जब देखा कि ऐसा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा तो जज साहब ने बाजत भोला केवट को तो बरी किया, सेठ जी को दंडित किया। अब इतनी देर में रघुनाथ जी खिसक गए। अब पूछता है भोला केवट से कि जो आपके गवाह थे वो कहाँ चले गए। कहा जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। तो कहा कि वो रहते कहाँ हैं, कि जहाँ हम रहते वहाँ वो रहते। अब पढ़े लिखे व्यक्ति पर भोला केवट की जो वार्ता है वो समझ नहीं पा रहे। कहे तो हमको ऐसे लग रहे थे देखने में कि बहुत बड़े आदमी तो है नहीं और मंदिर वगैरह जो स्वयं बनवा नहीं सकते।
भोला केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ये मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं थे, ये तो मंदिर में रहने वाले रघुनाथ जी थे। जस साहब को समझ में आया कि ये भगवान थे और हम जान नहीं पाए, तो अपने कलम को वहीं रखा और कुर्सी से जज साहब उठे और अपने घर आया और घर आकर पश्चाताप करने लगे कि जीवन में हमने बहुत बड़ी गलती की कि आज भगवान हमारे सामने खड़े रहे और हम रघुनाथ जी को पहचान नहीं पाए। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते हैं। सब लोग समझा रहे हैं पर जज साहब की बात समझ में नहीं आ रही, तो पत्नी उनकी आई कि आखिर आपसे कोई गलत फैसला हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रहे बताओ। तो जज साहब फिर बोले, सुख धो के उदरस दिए को भयो, दुख नाहिन जूतज जाते रहे। बस मेरे से यही तो भूल हुई कि मैं समझ नहीं पाया, धोखे से भगवान का दर्श हुआ। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। और जैसा पश्चाताप करने लगे, ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 80-81 वर्ष पूर्व की घटना है और ये कर्नाटक प्रदेश की घटना है। और वहाँ से जज साहब फिर छोड़ के वृंदावन आए और साधु बन गए और साधु बन के भजन करते हैं। मंदिरों में गए तो लोगों ने कहा कि बैठो बैठो, कहे अब नहीं बैठ सकते, हमने अपने जीवन में इतना बड़ा अपराध किया कि भगवान को हम खड़े करे रहे और हम कुर्सी पर बैठे रहे, तो अब शेष जीवन हमारा जब तक रहेगा तब तक हम कभी मंदिर में बैठेंगे नहीं। तो चलते फिरते दर्शन करते थे, वही आज दिव्य मंदिर जो है पागल बाबा का, वो वही जज साहब थे जो पागल बाबा के नाम से फिर वृंदावन में वो स्थापित रहे। आगे सुंदर चर्चा आप मानस विद्वान जन सब आप देख ही रहे हैं रोज, सम्माननीय अंबिका प्रसाद पांडे जी और रामेश चतुर्वेदी जी और जो दो बिटियां अभी आने वाली हैं और उनकी भी कथा आप लोग को सब श्रवण करना है। आज कथा का समापन दिवस है। समस्त श्रोता महानुभाव क्षेत्रवासी ग्राम ऊंचिया, हम सभी को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक छोटा सा भजन आपको दो लाइन का सुना दें और फिर तत्पश्चात वाणी को पुष्पांजलि।